ओके सो हाय गाइस, दिस इज गेमिंग रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, बाय द वे पता नहीं क्यों पहले 2 बार अलग अलग ही पंगे हुए, बट क्या आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट जो पेनल्टी एंड ऑल के बारे में बात चल रही थी कि पबजी मोबाइल के कंटेंट क्रिएटर्स को पेनल्टी होगी या नहीं होगी, कैसे है क्या है वो सब चीज़ों के बारे में। एंड शुरू करने से पहले अगर आप लोग न्यू चैनल पर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मेरे सोशल्स, मेरा इंस्टाग्राम ये रहेगा अगर आप लोग आना चाहो, दिस इज गोना बी माय ट्विटर। आई जस्ट डू वियर्ड स्टफ हियर, आई डोंट नो व्हाई नाउ आई एम अ मीम फॉर सम वियर्ड रीजन, बट ये सब चीज रहेगी। एंड देखो, पबजी मोबाइल इंडिया तो अभी तक आया नहीं है, कब तक आएगा कैसे आएगा वो एक अलग सवाल रहेगा। बट उससे पहले एक सवाल और पूछा गया था, जो सवाल ये था, आप देख सकते हैं। रिसेंटली मेनी मीडिया आउटलेट्स हैव रिपोर्टेड दैट स्ट्रीमिंग एंड क्रिएटिंग शेयरिंग कंटेंट ऑफ पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन कैन बी पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द बिलो आरटीए रिस्पॉन्स, म्यूचुअल फंड्स वाली लाइन। क्या प्रसून शेखर करके एक थे लॉ स्टूडेंट, और उन्होंने ये पूछा था कि क्या ये चीज गलत है, क्या ये चीज सही है, किस तरीके से है अगर हम पबजी मोबाइल को स्ट्रीम कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं या फिर कैम स्कैनर वगैरह। उन्होंने ऐसी ऐप्स के बारे में पूछा था कि अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या चीज है। ठीक है, MEITY डज नॉट बैन एनी ऐप, ये उन्होंने लिखा था कि MEITY सिर्फ उस चीज को देख परखती है, बैन तो गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है। However, blocking of specified apps was done under the provisions of Section 69A of the Information Technology Act 2000 and its rules, namely Information Technology, ये सब चीज रहेगी। और लेकिन इसके अंदर ना एक चीज यूज करी गई, पेनल्टी टू इंटरमीडियरीज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ब्लॉकिंग ऑर्डर। इंटरमीडियरी क्या होता है उसके बारे में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना इस वीडियो के लिए ये रहेगा। इंटरमीडियरी क्या होता है, क्या इंसान जो पबजी मोबाइल खेल रहा है वो इंटरमीडियरी है या फिर क्या? शॉर्ट आंसर नहीं, वो इंटरमीडियरी नहीं है। लॉन्ग आंसर क्यों? इंटरमीडिएट्स आर एंटिटीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज एनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन कंटेंट टू द एंड यूजर। इसका बेसिक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए मैं टॉरेंट इस्तेमाल करता हूं और मैं टॉरेंट से एवेंजर्स डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है, मैं अपने लिए एवेंजर्स देख रहा हूं, इट्स गुड। मैं अकेला बैठ के एवेंजर्स देख रहा हूं, इट्स गुड। मैं अपने दोस्तों के साथ एवेंजर्स देख रहा हूं, इट्स गुड। लेकिन अगर मैं उसी एवेंजर्स को ले जाकर के किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश करता हूं, विच इज ऑल्सो पायरेसी एंड ऑल्सो गोइंग थ्रू अ थर्ड पार्टी, बिकॉज वो मार्वल ऑफिशियल का कंटेंट था बट मैंने उसको एज एन अपना इंडिविजुअल दिखाया उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर के, दैट बिकम्स बैड नाउ। तो वो चीज ऐसे, मतलब एक बड़े उस पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर के हो रहा है, वो मेरे पे एक्शन लेना चाहेंगे, सो उस टाइम पर वो इंटरमीडियरी बन जाते हैं, मैं तो इंडिविजुअल रहूंगा। सो इंटरमीडियरी वो एक चीज बन जाती है, तो यहां पर भी इंटरमीडियरी बनेगा। अगर हम बात करें इमेज वीडियो शेयरिंग साइट सच एज यूट्यूब, मैं इंडिविजुअल नहीं हूंगा, मतलब मैं अभी भी सेफ हूं इस चीज से, बिकॉज मैं अपने पर्सनल, अगर मैं अपने पर्सनल प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं ठीक है। सो उस हिसाब से इस चीज के बारे में बात करी गई है कि उस हिसाब से ये सब चीज रहेगा। ये आप देख सकते हैं, इंटरमीडियर्स आर द वंस डिफाइंड इनसाइड द रेड बॉक्स, स्ट्रीमर्स और यूजर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रीम कंटेंट डू नॉट फॉल अंडर इंटरमीडियरीज। मैं इस चीज के अंडर नहीं आता, मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं, मैं इसको खेलते हुए नहीं दिखा सकता यूट्यूब पे, ये एक डिफरेंस है। द पोस्ट वॉज एसोसिएटेड द कंटेंट क्रिएटर्स डू नॉट फॉल अंडर इंटरमीडिएट्स, तो वही चीज है, लोग बोल रहे थे कि जो इतना स्ट्रीम कर रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो चीज नहीं है। जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो देखो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी, अभी तो ये वही चीज ना, अभी ये कमिंग सून है, लेकिन ये कमिंग सून का टू सून होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सो वो चीज भी आती है, बिकॉज ऑब्वियसली देखो यार, अंदर अंदर से बहुत सारी बातें निकल कर कर आ रही हैं। अभी करण पाठक को डाला गया, जो पहले ही बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं पबजी के लिए, एंड वो अभी वापस से आ रहे हैं। अर्पिता प्रियदर्शनी को डाला गया, जो पहले ही बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं पबजी मोबाइल के लिए, तो वो भी अभी वापस से आ रही है। सो मतलब अंदर अंदर से काम चल रहा है, ऑल वी हैव टू डू इज वेट एंड जस्ट होपफुली, यू नेवर नो कि अगले PMPL वगैरह के अंदर हमें इंडियन टीम्स देखने को मिलेंगी, वो सब चीजें हो सकती हैं। We'll have to see how that works out, but अभी तो बात ही आती है कि अभी टाइम वेटिंग का रहेगा, सो वो चीज आती है। ये वीडियो सिर्फ इसी चीज को बताने के लिए थी कि जो लोग बोल रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स किस में है, कैसे हैं, वो सब चीजें आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। बस ये भी बता सकते हो कि आपका अगर चैनल है तो वो किस तरीके से आप उसमें पबजी का क्या कंटेंट डाल रहे हो या बाकी गेम्स देख रहे हो वगैरह। बस अगर चैनल है तो यार लिंक्स मत डालना, क्योंकि अगर आप लिंक्स डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम के अंदर चला जाता है और वो लिंक्स पोस्ट नहीं होते, फिर आपका भी कंटेंट एंगेजमेंट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, वो चीज़। हाँ, और क्या बोलते हैं, आप लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद है, बिकॉज ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर करने वाली होनी चाहिए, बिकॉज लोगों को समझना है कि क्या सही है क्या गलत है कैसे है। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर, स्टे ऑसम एंड पीस आउट।